अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को बोल रहा है जर्नल एंट्री एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन आइटम लिखेंगे एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो, ठीक है, इसको एलसीएम देंगे 2:1:1 आएगा। उसके बाद एक्स जो डेट कर रहा है 1/4/2017 को 2/4 शेयर के साथ, वाई एंड जेड का गेन रेशियो है जो कि यहाँ से ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो होता है। फिर हम गुडविल फर्म ऑफ गुडविल निकालेंगे जो कि फर्म ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सारे प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर्स इंटू कर देंगे 2, ठीक है, तो हम लोग का इतना आया। फिर उसमें हम लोग जो पार्टनर डेट कर रहा है उसका शेयर को इंटू करेंगे तो एक्स का शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला बैलेंस बीडी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का 1,60,000, 40,000। फिर एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट ये आया 56,000। जो हम लोग एक्स का गुडविल निकालें उसको हम लोग गेन रेशियो में बांटे 1:1 के रेशियो में बांटे, 56,000 को 1:1 के रेशियो में बांटे 28,000 आया, ठीक है। फिर एक्स का लोन अकाउंट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 रुपया। फिर एक्स का कैपिटल जो कि यहाँ से हम लोग का ट्रांसफर हुआ, एक जो रिटायर कर रहा पार्टनर सॉरी जो डेथ पार्टनर कर रहा है वो इधर आएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो इस साइड रहेगा। फिर कैश जो कि 10,000 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर ये एग्जीक्यूटर जो है बैलेंस फिगर है, ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट ज़्यादा था क्रेडिट कम था वही के लिए यहाँ पे आया 1,26,000। और फिर बैलेंस सीडी जो रिमेनिंग पार्टनर है वाई और जेड का 32,000 एंड 12,000 आया, ठीक है। उसने सन्ड्री डेप्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर स्टॉक, फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग बैंक का लोन जो कि मार्केट अगेंस्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर सन्ड्री क्रेडिट है, और फिर कैपिटल अकाउंट जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लाए वो, ठीक है। ये 1,16,000 रुपये कहाँ से है मैं बताती हूँ। एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में हम लोग कैश जो कि 10,000 रुपये दिया हुआ है, ये बैंक अकाउंट ये बैलेंस फिगर है। फिर एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिखेंगे सबसे तो 1,26,000 रुपये आएगा, उसमें 10,000 रुपये माइनस करेंगे तो 1,16,000 रुपये आएगा जो कि बैंक अकाउंट हो जाएगा, बैलेंस फिगर हो गया। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए सबसे पहला आइटम है गुडविल को हम लोग शेयर करेंगे गेन रेशियो में, ठीक है। दूसरा एंट्री है लोन का अकाउंट, तीसरा है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, और फोर्थ है लास्ट का एग्जीक्यूटिव जितना पैसा पेड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। हम लोग को प्रिपेयर करना है एग्जीक्यूटिव अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए पहले हम लोग गिवन आइटम लिखेंगे एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो है 31/12/16 को इतना था, फिर वाई डेट किया 1/2/17 को 2/5 शेयर के साथ 4 मंथ के बाद डेट किया, तो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट आप निकाले भी हैं 4,200 आया। फिर हम लोग करेंट ईयर प्रॉफिट निकालेंगे आपको पता है, इसको हम लोग 4/12 मंथ से वाई का जो वाई डेट किया उसके शेयर को इंटू किए तो इतना आया, ठीक है। टोटल फर्म ऑफ गुडविल निकालेंगे इतना आया, फिर गुडविल को हम लोग शेयर करेंगे वो हम लोग का प्रॉफिट था, ये गुडविल है। देखिए फिर गुडविल वाई का शेयर से इंटू किया तो इतना आ गया, ठीक है। फिर एक्स कंटिजेंसी रिजर्व जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000 उसको शेयर से इंटू किए आ गया, ठीक है। वाई का और एक्स का दोनों का मैं निकाले गेन रेशियो में सॉरी ओल्ड रेशियो में। तो उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस पीडी जो कि क्वेश्चन दिया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो हमने निकाले 560 रुपया, वाई का शेयर ऑफ गुडविल ये कैपिटल जो कि गुडविल से हमने निकाले अभी 5,040 एंड बाई कंटिजेंसी रिजर्व जो कि 18,000 12,000 रुपये निकाले, ठीक है। वाई का कैपिटल आया फिर 2, ये बैलेंस फिगर आ गया 1,28,00 एंड एक्स का
बैलेंस शीट या उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स, ये दोनों कैपिटल, एग्जीक्यूटिव अकाउंट एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का बैलेंस शीट मैच कर गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कम्प्लीट हो गया।